बाइक में पेट्रोल भी नहीं है, मौत का खेल। टी शर्ट पे देखो क्या लिखा है, बिल कितना आया ये देखो। अब इस बंदे को देखो भाई। सो टाइम हो रहा है अभी 9:34 मॉर्निंग, और देखो हालत क्या हो रखी है, बारिश ही बारिश चल रही है पुणे में। ये रही अपनी बाइक, और पहले तो मैं आप लोग को इसका दिखा देता हूँ कैसी दिख रही है। प्रॉपर गंदी हो चुकी है, सर्विसिंग का टाइम है तो आज अपन सर्विस के लिए ही जा रहे हैं। निकलते हैं पहले इधर से, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है मुझे जब इसकी सर्विसिंग होती है। ओह माय गॉड, पूरी रात से बारिश चल रही है, जिस चक्कर में मुझे जाना था 2 दिन पहले सर्विस के लिए, और बारिश के चलते नहीं जा पाया। और आज भी मैं सुबह से कम 7-8 बार उठ चुका हूँ कि बारिश बंद हुई है क्या, बारिश बंद हुई है क्या, तब जाऊँ। तो बारिश तो गंदा वाला मेरा ले रही है। ओ माय गॉड, तो मैंने जो लास्ट सर्विसिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी वो आई थिंक 3rd सर्विस के ऊपर बनाया था जहाँ तक मुझे याद है। तो सोचा एक पेड सर्विस के लिए भी बनाऊं कि कितना क्या खर्चा आता है, क्योंकि लास्ट जो सर्विस मैंने कराया था उसको 6 महीने हो गए हैं। तो देखते हैं आज कितना खर्चा आता है बाइक के ऊपर, क्या क्या चेंज होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ आप लोग को मैं बताऊंगा। प्लस इसमें कुछ अपडेट है, मैंने आप लोग को पिछली वीडियोज़ में बताएं अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं तो, कि जो नई बिल्ड टू ऑर्डर बाइक आई थी उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, अपडेट किए गए थे एक्चुअली डिस्प्ले में। तो देखते हैं वो मेरी बाइक में हो तो जाएंगे, उस टाइम जैसा मैंने पता किया था। ओह माय गॉड यार, इतना गंदगी है ना। तो जो भी अपडेट हैं वो देखते हैं, हो पाएंगे तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि हो पाएंगे, अगर नहीं हो पाएंगे वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि नहीं हो सकते हैं। कुछ तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कुछ अभी बाइक के इस डिस्प्ले में रह सकता है, तो वो ही कुछ अपडेट हैं एक दो। लेट्स सी, बाइक में पेट्रोल भी नहीं है तो अभी सबसे पहले अपन को जाना पड़ेगा जहाँ पे पेट्रोल भरा जाए। हम पेट्रोल पंप, भीड़ है बहुत ही ज़्यादा, फुल करना है बाइक। आन तो दो, आ ही नहीं रहा। हाँ 00 कर दो। हाँ बस ठीक है, 1100 का पेट्रोल हो गया है डन, अभी बस पहुँचना बाकी है। रास्ते कर रखे हैं बंद, जिस चक्कर में हो रही है दिक्कत। इधर से क्रॉस करेंगे अपन, ये तो क्रॉसिंग कर सकते हैं। ओ भाई साहब, ये होता है डेंजर, मौत का खेल। अच्छा साले, लोगों को कितना मज़ा आता है मुंह चलाने में या बदतमीजी करने में, जब निकलना मुझे इधर है। आप लोग को हर वीडियो में बताता ही हूँ भाई, प्रोटेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, हेलमेट कितना इम्पोर्टेंट है। और एक बंदे के साथ जो इंसिडेंट हुआ कैमरे वाला, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो नहीं देखी है तो पड़ी है, जाके देख सकते हो। अगर कैमरा नहीं होता पक्का उस बंदे की लगने वाली थी अच्छे से। अनुपमा जी, फेमस सीरियल, मैंने देखा नहीं है बस नाम सुना है। तो मैडम पीछे लगी हुई हैं, सारा भाई वैसे सारा भाई, वो अच्छा है एक्चुअली, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे आगे जो अंकल चल रहे हैं उनके टी शर्ट पे देखो क्या लिखा है, सेफ्टी इज अ चॉइस नॉट अ चांस, समझ रहे हो। तो अभी मेरा सीधा फोकस था जल्दी से जल्दी पहुंचने का सर्विस सेंटर, बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी, इस वजह से मैंने इसको किया बंद। एंड आप देख सकते हैं आपके सामने है TVSR R310 जो धुल के खड़ी हुई है, और अभी ये जाएगी सर्विस सेंटर के अंदर, काम चालू है। ये देखिए मैं जूम करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो एक भैया है जो इस पर काम हमेशा यही करते हैं। एंड उसके बाद एक्चुअली बारिश इतनी ज़्यादा थी, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे उधर, तो मैंने सोचा कि बाहर खाना खा लूँ, बट बारिश हो रही थी, वेट किया, लेकिन मेरे को मिला क्या, वड़ा पाव एंड पोहा। तो अपन ने वो खाया मस्त, एंड उसके बाद अपन वापस आ गए सर्विस सेंटर पर, क्योंकि गाड़ी लेने का आ गया था टाइम। गाड़ी का काम तो हो गया पर बारिश तो कंटिन्यू चली रही है,
अभी एक बार इसका टेस्ट रहे थे, को धुलने के बाद भी साली गाड़ी गंदी दिख रही है। चलो भैया थोड़ा सा इसको चेक करके आते हैं, थोड़ा आगे तक चलते हैं। ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आता, बट आप ब्रेक वगैरह अपना ये सब देख सकते हो, एक्सेलरेशन पिकअप कैसा ले रही है, पहले से कुछ डिफरेंस आया कि नहीं आया, ये सब पता कर सकते हो जब वो लोग आपको देते हैं बाइक एक बार चेक करने के लिए। 5 बजे हुआ है काम पूरा ख़त्म। अभी बिल आप लोग को दिखाता हूँ मैं, पहले आगे लगाओ और चीज़ों को करो सेट। सेट करना बहुत ज़रूरी है। शीशे टिचक टिचक। और अभी गाड़ी अच्छी चलनी चाहिए अगले 6 महीने, और कुछ नहीं, बैटरी वैटरी का कोई इशू नहीं, उन्होंने बोला सब मस्त चल रहा है। ओके चल रहा है अपना गोप्रो भी। आधे टाइम बारिश हो गई थी तो काफ़ी कुछ पार्ट दिखा नहीं पाया। हर बार आप लोग को वॉशिंग वगैरह में दिखाता ही हूँ, तो वो दिखाने का कोई मतलब नहीं है, ना आपको उसमें इंटरेस्ट होगा। मेन इंटरेस्ट होता है कि बिल कितना आया, तो बिल आया है 4000 भैया, सीधा सिंपल हिसाब है। और जिस जो भी TVS की बाइक ख़रीद रहा है, ये 310 मान के चलो कि 3500, 3000 और 4000 इसके बीच में ही आपका बिल आना है। एक बार कम हो जाएगा जब आपका ऑयल चेंज नहीं होगा, हर अल्टरनेटिव में लगभग ऑयल चेंज होता है, तो उस टाइम आपका जो बिल आएगा वो आएगा कितना, 1700 कम कर लो 4000 में से, लगभग 2500 के आसपास आएगा बिल, अदरवाइज 4000 आएगा। क्योंकि जो लेबर चार्ज है, जो बंदा बाइक को देखता है, उस बंदे के अकेले 1100 रुपये होते हैं। अभी मुझे देखना ही है जो नया BMW G310 RR आएगा, जिस पे मैंने वीडियो बनाई है, ऊपर लिंक है आप देख सकते हैं, मुझे ये देखना है कि उनका सर्विसिंग कितना रहेगा। BMW के हिसाब से रहेगा क्योंकि BMW का कॉस्टली रहता है थोड़ा सर्विस, अगर हम TVS से बात करें, या फिर TVS की तरह रखने वाले हैं, तो वो एक वो भी बड़ा क्वेश्चन है। जब लॉन्च हो जाएगी उसके बाद अपन वीडियो बनाएंगे और बात करेंगे उसके बारे में। सो, एक और बात आप लोग को बताना था कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, बाइक का सर्विसिंग आ गया है, तो एक ऑप्शन TVS वाले प्रोवाइड कराते हैं, बाकियों का मुझे पता नहीं है। ऑब्वियसली बाकी लोग भी कराते होंगे, पर TVS का मुझे पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पिकअप और ड्रॉप भी इनका एक सर्विस है, तो आप अपनी बाइक को पिकअप ड्रॉप करा सकते हैं, वो लेने आ जाएंगे, अच्छे से लेके जाएंगे और वापस भी दे के जाएंगे। कुछ उसके चार्जेस होंगे, आई थिंक 500 रुपये या 400 रुपये चार्जेस है, आप अपने यहाँ का पता कर लीजिए जिधर भी आप जाते हैं, अगर दूर रहते हैं और टाइम नहीं है ये तभी। अभी थोड़ा सा खाली दिख रहा है, तो सोच रहे हैं कि बाइक को थोड़ा एरोप्लेन बना दिया जाए और थोड़ा उड़ा दिया जाए, क्या बोलते हो, उड़ाया जाए क्या? चलिए थोड़ा उड़ा ही लेते हैं। ये देखो, अब इस बंदे को देखो भाई, इसका क्या काम है जो ये हाथ में मोबाइल लेके स्कूटी चला रहा है। ऐसे लोग ना खुद मरते हैं और साला दूसरों को भी मारते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत ये है। क्या धंधा चल रहा है इसका कि बंदा हाथ में मोबाइल लेके ऐसे करके स्कूटी चला रहा है। और बस आसपास ही हूँ मैं, घर के पहुँचने वाला हूँ 10 मिनट में। बारिश तो भाई नहीं हुई, थोड़ी सी वहाँ हो रही थी, थैंक गॉड बचा लिया बारिश ने। अभी यहाँ से और निकले हैं। ओके भाई थोड़ा सा देख के। सो, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कुछ ऐसा खास हुआ नहीं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और पता चला होगा कैसा सर्विसिंग का कॉस्ट रहता है फ्री सर्विस के बाद। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।